नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 20 इयर्स ओल्ड फीमेल पर्सन और ये जानना चाहती हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव मैरिज होने के चांस हैं क्या, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस। और आगे बिजनेस करने का चाहती है, बिजनेस करने की इच्छा है। अभी ये जॉब कर रही हैं तो हम इनका इसलिए राइट हैंड लेके चल रहे हैं। तो जॉब में जॉब करना ही ठीक है या बिजनेस करने के प्रोस्पेक्ट्स हाथ में दिखते हैं और किस चीज़ का बिजनेस, अपनी हेल्थ, पेरेंट्स की हेल्थ, ये सब इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके हाथ में हमें क्या दिखता है। सबसे पहले हम देखेंगे पिंक कलर का सुंदर सा ब्राइट पाम है, थोड़ा वाइटिश पिंक हम कह सकते हैं, इस तरह की पाम की लुक है, तो जो जीवन में अच्छी ग्रोथ भी दिखाता है। और अगर मैं देखूँ थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाता है। देखिए क्या होता है, वाइट कलर का थोड़ा कई बार होता है खून की कमी, थोड़ा सा कमज़ोरी, या थोड़ा सा होता है कि वर्क लेबर ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होना। अब यहाँ पर देखें तो ये पाम जो है स्क्वायर्ड पाम है। जीवन में एज के साथ साथ राइज करना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे राइज करते हैं। इनका क्वेश्चन था कि बिजनेस करने की बात, तो सबसे पहले हम बिज़नेस का देखेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ना, ये मर्कुरी माउंट दबा हुआ है। मर्कुरी माउंट दबा हुआ जब होता है तो बिज़नेस करना ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, पैसे निकलवाना ज़रा मुश्किल काम होता है। लेकिन और ये जो लाइन का जो टेक्सचर, ये क्या होता है कि कंसल्टेंसी बिज़नेस ज़्यादा कराती है, कोई सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करना, आप कुछ ऐसा काम करना सेल्फ एम्प्लॉयड जिसमें प्रैक्टिस करना अपनी चीज़ों का, ऐसा कुछ ये बिज़नेस का योग बनाती है। ये क्या होता है कि जैसा आप, ये नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऐसी चीज़ों का योग दिखते हैं। इनके लेफ्ट हैंड पे भी मैं आती हूँ, वहाँ भी दिखाती हूँ। ये देखिए रेखा बहुत अच्छी है लेकिन मर्कुरी माउंट दबा हुआ है। ऐसे लोगों को अगर बिजनेस करते ना, बिजनेस में क्या होता है लोगों से बहुत ज़्यादा डील करने में दिक्कत आती है, लोग पेमेंट्स नहीं देते ऐसे लोगों को। ऐसे लोग क्या होता है, पेमेंट्स की बात आती है तो लोग इन्हें धोखा दे जाते हैं, ये होता है। ऐसे लोगों को कंसल्टेंसी सर्विसेज करनी चाहिए। कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या होता है कि लोग फिर आपसे ऐसे लोग ही टकराएंगे जो जेन्युइनली आपकी सर्विसेज चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए अच्छी लाइन है, जिसमें एक आपको कोई शोरूम खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स की डीलिंग नहीं करनी है, आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेस पे आप अपनी कंसल्टेंसीज आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। अब चलते हैं वापस राइट हैंड पर। अब देखिए यहाँ पर इनके मैरिज का क्वेश्चन था। मैरिज में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है विचार कम मिलना आपस में, मैरिज के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज होना। ये देखिए ये लाइन भी है, इस तरह से ये बन रही है, मैरिज में दिक्कतें दिखती हैं। शादी अपनी पसंद से कर लेते हैं, देखिए ये जो होता है लाइन काफ़ी पीछे से निकल रही है, जहाँ शादी पसंद से होना, लेकिन क्या है कि ये एक प्रॉपर मैरिज लाइन नहीं है। जैसे ये ऐसे करके ऐसे साफ लाइन होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस दिखा रही है। अभी मैं इनकी राइट हैंड की रेखा भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी है डिस्टर्बेंस, ये इंटरफेरेंस डिस्टर्बेंस दिख रहा है। ये देखिए ये डिस्टर्बेंस, विचारों का आपस में कम मिलना या लोगों का इंटरफेरेंस होना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं कि जो आपस में ट्यूनिंग बिठाने में दिक्कतें आना। अब चलते हैं इनके वापस हाथ की ओर। अब देखिए हाथ में यहाँ पर, तो जैसे मैंने बताया था स्क्वायर्ड हैंड है। एक चीज़ और, ये देखिए एम का चिन्ह, एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। इंसान अपने माइंड का भरपूर इस्तेमाल करता है और अपने भाग्य से पैसा कमाता है और साथ में जीवन को खुशहाल बनाता है और हृदय को भी सेटिस्फैक्ट्री बनाता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी कर पा रही हूँ लाइफ में, मैं जो चाहती थी वो अचीव कर रही हूँ। इनके हाथ में इनके माइंड लाइन को देखें और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए ये इस तरह से रेखा जा रही है, तो ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होते हैं ऐसे लोग, जो बहुत पहले से अलग हो रही है लाइन। और साथ ही साथ क्या होता है, लाइफ में अर्ली एज से ही इनके डिसीजन शुरू हो जाते हैं, अर्ली 20s में ही, या कहिए कि थोड़ा सा 18-20 ईयर्स की एज से अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, परिवार से थोड़ा सा होता है ना अरेंज मैरिज में इनका बिलीव कम होता है। यहाँ पर देखिए माइंड लाइन जो है ना इनकी डिस्टर्ब है। ये देखिए ये ऐसा लग रहा है, देखिए डार्कनेस सी आ रही है यहाँ पर, ये गड्ढा सा है, ऐसे गड्ढा टाइप का सा बना हुआ है। तो ये जब गड्ढेदार रेखा बनती है तो इंसान की लाइफ में टेंशन बहुत होती है, स्ट्रगल्स ज़्यादा होती है, चाहे कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं, इस वजह से इंसान परेशान सा घूमता है।
तो लगता है मैं क्या करूं कैसे करूं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। लाइफ में अकेले दौड़ रहे हैं, अकेले मेहनत करते जा रहे हैं, अकेले ही सब मैनेज कर रही हूं मैं, ऐसी कुछ फील आना। इनकी अगर मैं माइंड लाइन को और स्टडी करूं तो ये देखिए, ये ऐसे करके इस तरीके से रेखा चल रही है, ये ऐसी कुछ रेखा चलना, ये देखिए, और यहाँ से एक रेखा आके ऐसे सर बना रही है सर्कल, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। माइंड लाइन को अगर मैं ध्यान से देखाऊं और दिखाती हूँ मैं, ये कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड है, ऐसा लग रहा है कि 35 तक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना चीज़ों को लेके। ये देखिए, ये इस तरह से, ऐसे लोग कई बार क्या होते हैं, ये रिसर्च करते हैं चीज़ों में, और साथ में बुक्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ऐसी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में होती हैं, ऐसा कुछ करते हैं जीवन में ये। ऐसे लोग जब भी इस तरह का फिश टाइप का साइन बनता है, लाइफ में कुछ बड़ा एक्सपोजर, कुछ बड़ा एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये इस तरह का जो चिन्ह होता है, ये बड़ा एक्सप्लोर भी करवाता है। ये देखिए इस तरह का, ये लाइफ में कुछ बड़ा एक्सपोजर, बड़ा अचीवमेंट करने की इच्छा, और वो करवाता भी है। उस वजह से इनके काफ़ी सारे साल ऐसा लगता है उसी चीज़ों में डिवोट हो गए इनकी। उसका असर इनकी मैरिड लाइफ पर भी आता है, इनके जीवन पर आता है। ये समाज से ऐसा लगता है कट ऑफ हो गए हैं, अपने काम में इतने ओवर बिजी हैं, अपने काम में इन्होंने इतना इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को, ऐसी कुछ फील दिखती है। और ये देखिए, यहाँ पर ये टेंशन भरा माहौल तो दिख ही रहा है। तो 35 पर आके जीवन में कोई बड़ा चेंज मुझे दिखता है। अब इन्होंने बिजनेस से जो क्वेश्चन पूछा था वो हम इनकी भाग्य रेखा से देखेंगे। देखिए, नीचे से लाइंस का शुरू होना, लेडी लक का सपोर्ट दिखता है काफ़ी अच्छा, और यहाँ से रेखा। लाइफ में क्या होता है ऐसे लोगों के फाइनेंशियल, देखिए बचपन तो अच्छा बीतता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये देखिए साथ में दिक्कतें, स्ट्रगल्स, अर्ली एज में अच्छे स्ट्रगल्स हैं। यहाँ पर देखिए लाइन टूट टूट के निकल रही है। अगर हम देखें बिजनेस में जो रिटर्न्स हैं उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स करने होंगे, ये एफर्ट्स ही दिख रहे हैं इनके, रिसर्च करना सब करना, तो हर चीज़ को जैसा होता है ना बजट बना बना के चलना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये इनकम, ये देखिए इनकम का स्रोत बंद नहीं हो रहा, इनकम का स्रोत कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जैसे इनकी एज अभी 28 है, तो ये कुछ 30 के आसपास कुछ चेंज लेंगी, है कोई बड़ा चेंज जीवन में आना इस तरह का। फिर उसके बाद 37 पे एक चेंज दिखता है, ये 37 एक दिखा 30 के आसपास, एक 37, फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह की लाइन साइड बाय साइड कुछ और करती जा रही हैं, दो लाइन्स है, दो इनकम सोर्सेज। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका 47-48 पर एक बड़ा चेंज है, बड़ा खर्चा करना, बड़ा चेंज आना, ऐसे भाग्य रेखा चल रही है। ये देखिए, ये फिर इस तरह से चलती जा रही है भाग्य रेखा, और यहाँ तक एंड तक चलती गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं पैसे की। ये जो है चीज़ों में, ये दिखाया ना मैंने, रिसर्च करना या कोई बड़ा ऐसा काम करना उसके लिए, जैसा होता है डबल इनकम साथ में लेना, ऐसा कुछ मुझे जीवन में दिखता है, कुछ बड़ा करने की इच्छा, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे ऐसा वाला। ये रिसर्च वाला हैंड ज़्यादा दिख रहा है, ये इस तरह की चीज़ें दिखती है, कुछ बड़ा करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होना, माइंड को यूज़ करना, ऐसा कुछ। अब इनके हाथ में देखिए, भाग्य रेखा भी हमने स्टडी करी, अब आते हैं जीवन रेखा पर। देखिए लाइफ लाइन भी अगर मैं देखूं तो काफ़ी डिस्टर्ब है ये ऐसा लग रहा है लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, हेल्थ इश्यूज़ होना, फैमिली प्रॉब्लम्स होना, लाइफ में तरह तरह से परेशान होता रहा, हर परेशानी खुद ही सॉल्व करना, किसी का सपोर्ट नहीं, अकेले ही मैनेज कर रही हैं। कितने कट्स हैं ये देखिए, कितने कट्स, ये देखिए इनका ये जो टाइम पीरियड है, ये तकरीबन मुझे लगता है 35-36 तक चलता हुआ लग रहा है, और जब इन्हें पूरा रिलीफ जो मिलेगा वो प्रॉपर रिलीफ 45 के आसपास, बल्कि कह सकते हैं 42 के आसपास बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद से समय और बढ़िया होता जा रहा है। ये उससे पहले थोड़ा डिस्टर्बेंस जैसा होता है ना लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगे रहना, या वर्कलोड ज़्यादा बढ़े रहना, वर्कलोड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, वर्क में अपनी इन्वॉल्व रहना, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अब जो मैंने इनको चेंज बताया है, 30 के आसपास ये अपना बिजनेस कुछ मुझे लगता है शुरू कर लेंगी, अपना काम शुरू कर लेंगी। अब चलते हैं आगे हाथ में हृदय रेखा की ओर। ये देखिए, ये कितनी ज़्यादा ये डार्क सी है। ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, रेस्पॉन्स दिखाते हैं, वो रेस्पॉन्स पलट के नहीं मिलना, उल्टा बुराई मिलना, कई बार ये चीज़ें भी होती होंगी। और साथ में देखें इनके हाथ में
तो जैसे रुपए पैसे की कंडीशन देखें तो इंटरनल पोजीशन अच्छी होना, सॉलिड होना, और यहाँ बैंक बैलेंस अच्छा बना लेना। ये देखिए इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं लाइफ में। जो एक बार स्ट्रगल किया उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग उठाना, ये चीज़ अर्ली लाइफ में स्ट्रगल्स भी दिख रहे हैं इनके हाथ में। अब देखिए हमने ये सब तो देखा कि ये नेगेटिव पॉइंट्स की स्ट्रगल है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन हाथ में अच्छा क्या है? हाथ में अच्छा ये है कि इनकी 30 के बाद थोड़ी लाइफ में रिलैक्सेशन आएगी, 35 के बाद ये और ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, मैंने कुछ पा लिया, मन की इच्छा जो थी मेरी वो पूरी तरह से अच्छे से मैं उस सेटिस्फेक्शन आने लगा, पूरी कर पा रही हूँ। ये जो चिन्ह है इनका, ये इस तरह का फिश का साइन बन रहा है, ये कुछ ना कुछ बड़ा इनोवेटिव कुछ करवाता है, तो वो लाइफ में या कुछ राइटिंग करना, कुछ कई बार होता है बुक्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ बड़ा जीवन में करके दिखाना। अब ये देखिए यहाँ पर फिंगर्स को देखें तो फिंगर्स की शेप इस तरह से सीधी है। ऐसे लोग वर्क इज वर्शिप मान के चलते हैं। इनकी अगर जुपिटर की फिंगर देखूँ तो जुपिटर की फिंगर लंबी है, सॉरी सन की फिंगर लंबी है। सन की फिंगर जब भी लंबी होती है, इंसान अपनी लाइफ में अपना काम जो है, ये अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के बेस पे आगे बढ़ता है। और इनके हाथ में एक चीज़ देखे, ये देखिए ये फिंगर ना अलग है, ये फैमिली से अलग हट के सोच होना। देखिए हमने बताया था ना, काफ़ी जल्दी से अलग हो रही है, तो इंडिपेंडेंट सोच है, वो सोच अलग है। और यहाँ देखिए ये उंगली फर्स्ट फैलेंस से ऊपर है, तो एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को बारीकी से एनालाइज करना, बारीकी से देखना समझना। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तब तक उसको दोबारा उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को लगता है नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मैं करूंगी, और ये क्या है, मुझे समझना है, मुझे जानना है, हर चीज़ को स्टडी करना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत होती हैं। बात की डेप्थ तक जाना, जब तक इनको बात समझ नहीं आ जाएगी तब तक ये यस नो नहीं बोलते ना, उसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकालते ऐसे लोग। ऐसे लोग ना रिसर्च वर्क में ज़्यादा जाते हैं, ऐसा कुछ भी दिखता है। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का ये चक्र का निशान है। बहुत नॉलेजेबल होते हैं ऐसे लोग, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत कोशिशें। और ऐसे लोग नेम फेम सक्सेस भी पाते हैं, इनको होता है कि समाज में अपने काम की वजह से काफ़ी अच्छे से जाने भी जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत मन लगता है इनका। यहाँ पर देखिए ये इस तरह की उन्नर लूप है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होना, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन बुरे समय का साथी है, कौन सिर्फ खाली बातें बनाने आया है, कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कौन मुझे धोखा देगा, सब चीज़ों का ध्यान इन्हें अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगेन उन्नर लूप है सूर्य की फिंगर पर, ये लोग काम चेंज करते हैं। ये लोग क्या होता है, जीवन में 2 से 3 काम बदल लेते हैं, इनको लगता है कि जहाँ ग्रोथ मिलती है वहाँ की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जाता है। और ये लोग क्या होता है, जब 60 इयर्स की एज पर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा राइज कर चुके होते हैं, उनको खुद लगता है कि मैं आज से 3 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास कितना कुछ है, उस तरह लेवल का राइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगेन ये उल्टा लूप है, स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। कभी किसी को उधार देते हैं वो उधार लौट के नहीं आता, और क्या होता है पैसे फ्रेंड सर्कल में दें या किसी भी तरह से अपने कजन्स को रिश्तेदारों को दें तो ये सोच के दें कि हेल्प के तौर पर, नहीं तो पैसा लौट के नहीं आएगा। ये जो पोर्शन है इनका फूला हुआ है, ये इनको बिज़नेस के आइडियाज़ देता होगा, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा बनाता है ऐसे में। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस हैं, ये सब तरह के ड्रीम्स फुलफ़िल कराती है, डिज़ायर्स फुलफ़िल कराती है। ये जब सब तरह के ड्रीम्स फुलफ़िल कराती है, और ये देखिए ये वाली लाइंस, ये चीज़ों में प्रॉब्लम लाना, ये देखिए ये नेगेटिव लाइन है, छोटी छोटी नेगेटिव लाइन है। जैसे कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करा, इस फिंगर पर है तो आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करा तो वो पलट के रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो पर्सन बुराई करेगा। ये देखिए एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं, दूसरी आके सिर पर खड़े हो जाना, ये इस तरह की लाइंस सूरभ की फिंगर पर है। ये आपको वो तो क्या है कि ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करना, काम कुछ अच्छा करा तो तारीफ दूसरे ले जाते हैं, अब दूसरे से कुछ बुरा हो गया तो अपने को सुनने पड़ रही है, ऐसा कुछ। अब चलते हैं इनके थंब की ओर,
अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उड़ना लूप है, और ऐसे लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, और ऐसे लोग लेडीज शादी के बाद भी अपने हस्बैंड, बच्चे, इन सबको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर देखिए ये विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक प्लानिंग भी बहुत अच्छा है, और ये देखिए ये इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो जीवन में इन्हें परेशान करते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। ऐसी नेगेटिव लाइंस के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, 3 to 5 मिनट्स का टाइम निकाल के मेडिटेशन करें, चाहे ओम का उच्चारण करें, ऊपर वाले का ध्यान करें, उससे इन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सब नेगेटिव रेखाओं का असर जो होता है ना, फ्लश आउट हो जाता है। ये देखिए ये यव का साइन, आइलैंड का चिन्ह जब भी होता है, इंसान अपनी लाइफ में अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, वहाँ पर संस्कारों की मान मर्यादा फॉलो करना, ऐसा कुछ भी दिखता है। और अगर अंगूठे को देखें तो पीछे की ओर मुड़ता है। ऐसे लोग क्या होता है लाइफ में, लेडीज़ जो स्पेशली हैं वो बहुत एडजस्टेबल नेचर की होती हैं, ठीक है भाई जब जैसा खाने को मिल गया ठीक है, जब जैसा पहनने को मिल गया ठीक है, इस तरह का दूसरों का मन रखने वाली इनकी टेंडेंसी काफ़ी होती है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड पर हमें क्या सिम्बल्स फिंगरप्रिंट्स में क्या मिलता है। अब देखो ये इस तरह का उड़ना लूप है, सॉरी रेडियल लूप है, ये इधर की तरफ जा रहा है। रेडियल लूप जो होता है ना, काम को कायदे से करवाता है। ऐसे लोग काम को गलत तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से करना पसंद नहीं करते, हर काम को अच्छे से परफेक्टनेस के साथ करते हैं, काम को कंप्लीट करके उठते हैं ऐसे लोग। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये देखिए ये टेंटेड आर्च है, जीवन के उतार चढ़ाव को बताता है। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, उन सब प्रॉब्लम से लेसन लेना, समझना, उन प्रॉब्लम्स को बड़े बोल्डनेस के साथ फेस करना और उन प्रॉब्लम से लेसन्स लेना, ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छे से दिख रही हैं। देखिए इस तरह से उड़ना लूप, तो ऐसे में जैसे हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था, तो लाइफ में ऐसे लोग अपनी जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन पर पहुंचते हैं और बहुत राइज करते हैं और समाज में अपने मान सम्मान इज्जत बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन उड़ना लूप है, जैसे हमने राइट हैंड में देखा था, तो ऐसे लोग क्या को जो स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये मुझे डबल लूप दिख रहा है। ये देखिए डबल लूप जब भी अंगूठे पर आता है, इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार शिफ्टिंग्स ज़्यादा करना, उतार चढ़ाव देखना और जीवन में अप्स एंड डाउन्स देखना, ऐसा कुछ जीवन में काफ़ी होता है। जीवन में चेंजेस बहुत आते हैं, चेंजेस वाला जीवन इनका रहता है। यहाँ पर देखिए ये लाइन्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर परेशान करना, तो जैसे जो मेडिटेशन का उपाय बताया वो करें। विल पावर काफ़ी अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत बढ़िया है, और ये देखिए यव का चिन्ह, परिवार के लिए बहुत कुछ करने की सोचना। अगर हम इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में एक टेंटेड आर्च मिलता है, एक साथ में चक्र का निशान, एक रेडियल लूप और उड़ना लूप्स, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली जो कि बहुत बढ़िया है। और हमें ये दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोग जो है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं और मेहनत करके ही सफलता पाते हैं। सक्सेस थोड़ी देरी से आती है, जीवन में ऐसा लगता है कि 30 ईयर्स के बाद अपने ड्रीम्स फुलफिल करना, अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना, ये सब कर पाते हैं। और ये एक अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में एक अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर पाते हैं। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, देखें राइट हैंड के माउंट्स पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत फ्लैट है, लाइफ में अकेलापन होना, हर काम अपने आप देखना, मैनेज करना, किसी गुरु या मेंटोर की कमी होना, अपने आप ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, हर चीज़ का जो है डिसीजन खुद लेना पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह की लाइन वलय जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जाना, और ऐसे लोग क्या होता है लाइफ में एक अध्यात्म की ओर बढ़ना, ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह भी है, ये देखिए टाइम टू टाइम नॉलेज बढ़ाना। इनके जुपिटर की फिंगर पर, यहाँ इसी फिंगर पर हमने देखा था एक चक्र का निशान, तो ये स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ावा दिलवाता है। ऐसे लोग होता है कि सोशल वर्क करने में भी इनका इंटरेस्ट रहता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर फिश का साइन है, ये तो ओल्ड एज लग्जरियस बनाता है। और एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, ये एपेक्स का चिन्ह, ईश्वर शक्ति का हाथ। ये देखिए ये इस तरह का शनि का माउंट जो है इस तरह से है,
यहाँ पर भाग्य रेखा स्टॉप हो रही है। शनि का अमाउंट जब भी इस तरह का होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत फ्लैट तो नहीं है, एक उभरा हुआ भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, मीडियम है। तो ऐसे लोग क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में उसको अपनी समझदारी से झेलते हैं, उस समझदारी से उसको टैकल अप करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर दो नॉलेज की लाइन है, दो फील्ड की नॉलेज होना। यहाँ पर देखें तो ये ट्री का सिंबल है, ये देखिए ये ट्री का सिंबल मुझे दिखता है ये। तो ये ट्री का सिंबल इंसान को बहुत अच्छी लेवल की सक्सेस, नेम फेम दिलाता है। ये देखिए यहाँ पर भी, और एक ये लाइन इस तरह से आ रही है ये मैरिज के बाद लाइफ में बड़े चेंजेस आना, ये सब भी दिखता है। और ये देखिए ये मैरिज के बाद काफ़ी बड़ा चेंज, कोई धन लाभ भी मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो एक ये इस तरह का वलय बन रहा है, शुक्र वलय। तो जब भी ऐसा शुक्र वलय बनता है, इंसान अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बहुत लकी रहता है। ऐसे लेडीज़ क्या होता है कि जब पैदा हुए तो माता पिता के लिए लकी, फिर भाई बहनों के लिए लकी, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड बच्चे सब के लिए लकी साबित होती हैं, लाइफ लग्जीरियस बिताती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सन का अमाउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो एक पिता से दूरी, या कई बार होता है कि पिता का जो है थोड़ा स्वास्थ्य मीडियम रहना, और या आँखों का चश्मा, इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए मैंने बताया था मर्कुरी अमाउंट इनका दबा हुआ है, मर्कुरी अमाउंट दबा होता है तो बिज़नेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कहना चाहिए कि वो कम आता है, रिजल्ट्स कम आते हैं। ऐसे में इनको बुद्ध का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, या ग्रीन कपड़ा अपने साथ रखना चाहिए, ग्रीन कलर का कपड़ा अपने साथ, व्हाट्सअप ग्रीन कलर का अपने साथ रखें, उससे इनका बुद्ध जो है मजबूत हो और फिर तरक्की मिलने में आसानी होगी। ये देखिए अब इनका मंगल पर्वत देखें, अच्छा खासा है, अंदर से बहुत बोल्ड हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ बना के रखती हैं। ये देखिए यहाँ पर बाहरी मंगल भी अच्छा है, रिस्क लेने की एबिलिटी है। एक ये मुझे लगता है छोटा सा तिल है शायद, ये खर्चे करवाता है, ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवाना है, ऐसा कुछ भी करवाता है। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए, ये देखिए लाइफ लाइन पर मैं दिखा रही थी, उस पिक्चर में क्लियर नहीं था, ये देखिए ये बार बार कट्स, ये फैमिली प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत है, इनका स्ट्रेस का ज़्यादा, माइंड लाइन भी डिस्टर्ब है तो स्ट्रेस वाला हैंड ज़्यादा दिखता है, तो मेडिटेशन करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो स्ट्रेस की दिक्कत मुझे ज़्यादा दिख रही है। अब ये देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पर देखिए लेडी लक का बहुत सपोर्ट होना, ट्रैवल्स भी दिखते हैं इनके हाथ में, कुछ ऑनलाइन वर्क करें उससे भी इनको प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर देखें इनके हाथ में, ये देखिए ये उल्टी मछली का चिन्ह, लेट सक्सेस आती है जीवन में, ऐसा देखिए यहाँ पर मैंने हमने देखा 30 पर चेंज 35 पर चेंज, और ऐसा देखिए 46 के आसपास बड़ा खर्चे करना, बड़ा खर्चा तभी करेगा इंसान और भाग्य रेखा को देखते हुए लग रहा है जब पैसे होंगे अच्छे खासे, इस तरह की चीज़ें। तो ये ऐसा हैंड लग रहा है मुझे कि जो लेटर ऑन लाइफ में खूब अच्छी सक्सेस पाएगा, बहुत सक्सेस अच्छी मिलेगी अपने काम में, अपने करियर में सक्सेस पाते हैं। शुक्र का देखें तो अच्छा खासा शुक्र पर्वत है, लविंग केयरिंग अफेक्शनेट है, ऐसे लोग सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा पंप एंड शो में नहीं जाते, इनको होता है कि जो है जितना है उसी में ही अच्छा होता रहे, मन की शांति भी अच्छी चीज़ है, मेरे हाथ से अच्छे कर्म होने चाहिए, मैं कभी किसी का बुरा ना करूं। और साथ में ये लोग क्या होता है कि शुक्र वाले बहुत ज़्यादा, इनको ये नहीं होता कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े बंगले हो, चार बंगले, चार गाड़ियां हो, ये भी हो वो भी हो, इनको होता है कि पैसा लाइफ की नेसेसिटी है लेकिन खुशियाँ भी उससे पड़ कर है, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत दबा हुआ है, अगेन गुरु वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जाना। अब देखिए यहाँ पर वलय भी है, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना, ऐसे लोग के जब चक्र का निशान हमने राइट हैंड पर देखा था तो ये लोग नॉलेज बहुत गेन करते हैं, तरह तरह से नॉलेज गेन करना, तरह तरह की नॉलेज गेन, फील्ड की नॉलेज लेना कि यहाँ पर इस चीज़ को कैसे करते हैं, उस चीज़ को कैसे करते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये इतने बड़े बड़े वाले ये रिंग्स, तो ये स्पिरिचुअलिटी की ओर भी टच दिखाते हैं। देखिए यहाँ शनि पर्वत उभरा हुआ है, हिम्मत के साथ काम करना, ये देखिए अच्छा खासा त्रिशूल का चिन्ह है, बहुत बढ़िया,
अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से एक त्रिशूल नुमा चिन्ह भी यहाँ पर भी बन रहा है, ये बल्कि देखिए ये इस तरह से ये पेड़ टाइप का चिन्ह बन रहा है ये। तो जब ऐसा चिन्ह बनता है इंसान लाइफ में बहुत नेम फेम सक्सेस पाता है। इनकी ये देखिए सूर्य रेखा ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, भाग्य रेखा में जुड़ रही है, देखिए त्रिशूल नुमा निशान यहाँ बन रहा है इस तरह का। जब भी ऐसा निशान बनता है तो इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है, बहुत तरक्की, बहुत राइज करने वाला हैंड है ये। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखिए ये इस तरह का लूप, लूप ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक के शौकीन होना। अगेन मरकुरी दबा हुआ है तो ये थोड़ा सा इनकी जो सेलिंग स्किल्स हैं उसमें दिक्कत लाता है। तो थोड़ा सा जो मैंने उपाय बताया वो ग्रीन कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये मरकुरी माउंट को मजबूती मिले और काम करने में, बिजनेस करने में कामयाबी मिले। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये मंगल पर्वत दोनों बहुत अच्छे हैं, तो इनके अंदर हिम्मत साहस काफ़ी है, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत अच्छा होना, यहाँ से लाइन का निकलना ऑनलाइन वर्क्स कराता है। ये लाइन ऑफ वायलास भी है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लेडी लक का सपोर्ट भी दिलाता है, फॉरेन कंट्री से भी काम दिलाता है, कई बार फॉरेन कंट्री से लाभ मिलना, फॉरेन कंट्री के क्लाइंट से डील करना। यहाँ पर देखिए ये शुक्र पर्वत अच्छा है, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पीन, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये इस तरह की लाइन, ये देखिए लाइफ लाइन पर काफ़ी सारे दिक्कत, परेशानी, हेल्थ इश्यूज, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो ये सब डिस्टरबेंसेस इनके जीवन में अब तक काफ़ी लगे रहे होंगे, जीवन में राइज भी करा होगा इन्होंने, लेकिन दिक्कत है, परेशानी। लेकिन जैसे ही ये 40 अगर मैं देखूँ 42 के आसपास जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी होंगी, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थोड़ा 30 पे आके जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना, 35 पे और चेंज आके चीज़ें नॉर्मल होना, 42 पे और राइज करने के बहुत अच्छे चांस बनेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरह मस्तिष्क रेखा कितनी गड्ढेदार रेडनेस है मस्तिष्क रेखा में, टेंशन, परेशानी, दिक्कत, फैमिली प्रॉब्लम्स ये देखिए दिखा रही है ये। तो ये क्या हो सकता है, मदर को कोई प्रॉब्लम्स हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जैसे ये थोड़ा 35-40 तक आई चीज़ें शांत हो गई, काफ़ी स्मूथनेस माइंड में, जैसे होता है ना माइंड पे प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, टेंशन, लेकिन वो सब 35 पे आके काफ़ी कम हुआ, 40 पे आके और कम हो रहा है। और ये देखिए ये अगेन दो भागों में बट रही है, तो कुछ ना कुछ बड़ा करना। हृदय रेखा देखिए डिस्टर्ब है, किसी का साथ ना मिलना, जो आता है ताने दे के जाता है, अपनों से धोखा मिलना, ऐसा कुछ दिखता है ये डिस्टर्बेंस। या कई बार होता है कि जैसे बात बात को दिल पे ले लेना होता है ना, बार बार दिल पे ले बातों को लेना, तो वो टेंशन देता है, ये सब चीज़ें परेशानी दिक्कत देता है। अब ये देखिए यहाँ पर भाग्य रेखा देखिए नीचे से तो निकली, इस तरह से करती हुई एकदम स्ट्रेट जा रही है, ये इस तरह की भाग्य रेखा, भाग्य रेखा बहुत अच्छी है इनकी। देखिए अगर हम इनके लेफ्ट हैंड को देखें, लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमारे माता पिता हमें देते हैं, राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद करके दिखाते हैं। इनके जो क्वेश्चंस थे, अगर हम शादी की बात करें तो मैं थोड़ा इनको सजेस्ट करूँगी कि शादी अभी रुक के करें, क्योंकि इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी डिस्टर्ब है। जब इस तरह की डिस्टर्ब मस्तिष्क रेखा होती है और उसमें इंसान शादी कर ले तो चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं, थोड़ा सा उस चीज़ें डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाती हैं। तो बेटर है कि थोड़ा अच्छे समय का वेट कर लें, अगर ये थोड़ा 32 तक रुक जाएं तो शादी, एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा बेटर टाइमिंग में करी जाए तो शादी के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, शादी के में कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं तो क्या होता है कि अगर इंसान ऐसे समय पे शादी कर ले तो कितनी जान पहचान में शादी क्यों ना हो, लव मैरिज क्यों ना हो, उसमें डिस्टर्बेंस आने लगता है और फिर इंसान परेशान होता है। अब अगर हम देखें लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश माता पिता देते हैं, राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद करके दिखाते हैं। इनका राइट हैंड भी बहुत अच्छा है, हमने उल्टी मछली का चिन्ह भी देखा, पेड़ का चिन्ह देखा, पेड़ का चिन्ह यहाँ पर भी देखा, तो ये सब चिन्ह बहुत अच्छे फल देंगे इनको जीवन में, समय समय पर इनको बहुत लाभ कराएंगे। तो ओवरऑल देखें बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग गिविंग हैंड है, और साथ में देखा जाए तो जीवन में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी है आगे बढ़ने के लिए, और उन सब स्ट्रगल्स का रिजल्ट इन्हें आगे समय समय पर मिलता रहेगा। पर ये काफ़ी अच्छा हैंड है, ऐसा लगता है देख के कि जीवन में कुछ बड़ा अवश्य करके दिखाना और कुछ नेशनल लेवल पर जाना, ऐसी कोई चीज़ें इनके अंदर दिखती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और माता पिता का स्वास्थ्य मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से शायद खुद भी परेशान रहती हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखती है।
काम इनके सब बनते चले जाएंगे, और बिजनेस का जो मैंने सलाह दी है वो फॉलो करें। बिजनेस में इनका क्वेश्चन था किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, जो मैंने कंसल्टेंसी वर्क बताया वो कर सकती हैं ये। टीचिंग जॉब में भी जा सकती हैं ये, जैसे होता है टीचिंग का कोई काम करना, इस तरह की चीज़ें कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करना, ऐसा कुछ भी दिखता है। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी मुझे दिख रही हैं। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।